प्रदेश सरकार धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर में धर्मशाला में आयोजित करेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की सरकार जल्द ही तारीख घोषित करेगी। ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी कार्यक्रम है। दिसंबर महीने में सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, लगभग 20,000 करोड़ के करीब उसके जो हमें लगता है इन्वेस्टमेंट आएगी और हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा वातावरण लोगों को मिल रहा है, इन्वेस्टर्स को मिल रहा है और निश्चित तौर पर दिसंबर महीने में हम कोशिश करेंगे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उस कार्यक्रम में हमने बुलाने के लिए वहाँ रिक्वेस्ट भेजी है और मुझे लगता है कि वो हमारे इस इवेंट में जरूर आएंगे। विक्रम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कामगार बोर्ड भविष्य में पंचायतों में जाकर लोगों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं के बारे में जागरूक करेगा। तक लेके जाएंगे पंचायत स्तर के ऊपर जिस प्रकार से जो लोग मनरेगा में काम करते हैं जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनको हम ये बताएंगे कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा सरकार देती है, आपकी बच्ची नौजवान हो गई है उसकी शादी के लिए 50,000 रुपया मिलता है, आपको अगर मुख्यमंत्री जो योजना है आवास योजना है अगर उसमें उसको पैसा मिलता है तो 1.5 लाख रुपया BOCW जो है वो उनको पैसा और दे रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई मनरेगा वर्कर विडो हो जाती है तो उसको विडो पेंशन के अलावा अलग से पेंशन जो है की व्यवस्था जो है वो हमारा विभाग कर रहा है। इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम आम जो हमारे जो वर्क जो हमारे कामगार हैं उनको जो पता नहीं है उसके बारे में हम ये इस प्रकार से शिविर लगा के वर्कशॉप लगा के उनको ये सारी बातें बताएंगे।